हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SLM यूनिट 1 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने स्कूल मैनेजमेंट डिस्कस किया है कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है। इट सिस्टमेटिक कंटिन्यूस एक्टिविटी अंडर विच द स्कूल सेट इट्स विजन एंड स्ट्रेटेजीज प्रोसीजर एंड इन्वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज सच एज पीपल गुड्स कैपिटल एंड इंफॉर्मेशन एंड ट्राइज टू यूटिलाइज देम बेस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने यहाँ स्कूल को एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डिस्कस किया है कि स्कूल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो स्कूल एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसके अंडर में हम एक विज़न, एक स्ट्रेटेजी का प्रोसीजर बनाते हैं। उसमें इन्वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज हैं हमारे, पीपल गुड्स कैपिटल एंड इंफॉर्मेशन, इन सबको हम यूटिलाइज़ किस तरह से करते हैं स्कूल को एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। अब एक स्कूल मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एन अप्लाइड ब्रांच, एक ब्रांच होनी चाहिए। डायनामिक, एक गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडरशिप, मल्टीडिसिप्लिनरी एज इन्वॉल्व्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, गोल ओरिएंटेड, आर्ट एज वेल साइंस, प्रैक्टिकल रेदर देन बीइंग थ्योरेटिकल, है सोशल एंड प्रैक्टिकल बेस। हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की। इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिविंग रिस्पेक्ट टू टीचिंग प्रोफेशन, प्रोवाइडिंग द मेंटेनिंग कंजीनियल इन्वायरमेंट इन स्कूल, एडजस्टिंग विद अदर डिपार्टमेंट। तो आई होप कि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी समझ आए होंगे। दो और ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, असेसिंग स्कूल परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग स्कूल बाय PDCA। अब PDCA क्या है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं, फिर उसकी चेकिंग करते हैं, वैल्यूएशन, देन एक्ट लेते हैं। अगर उसमें हमें कोई मिस्टेक मिलती है उसके ऊपर हम फीडबैक देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल का क्या रोल होता है हमारे जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें? द प्रिंसिपल इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिंसिपल होता है। एंड शेपिंग द विज़न, जो विज़न एक रूपरेखा तैयार करता है वो एक प्रिंसिपल ही करता है। प्रोफेशनल ग्रोथ, एज अ प्लानर और ऑर्गेनाइजर। प्रिंसिपल एज एन इवेलुएटर, अब इवेलुएटर वो किस किस चीज़ का होता है? स्टूडेंट का, टीचर का एंड स्कूल का। परफॉर्म एज अ लर्नर, कोऑर्डिनेटर। तो हम बात कर लेते हैं TQM की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब स्कूल को हम किस तरह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शंस के थ्रू हम TQM का पता लगा सकते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंप्लीट TQM है या नहीं है, उसमें क्या मिस्टेक है, क्या कमियाँ हैं जिन्हें हमें दूर करना है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल, डिडक्शन ऑफ एरर, जो भी एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं उन सभी का हमें कम करना है। क्वालिटी एश्योरेंस, प्रिवेंशन, जो है क्या क्या प्रिवेंशन हमें लेनी है। एंड TQM जो है वो 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड फिगन बेगम नाम से एक औरत थी जिन्होंने 1961 में क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रिंसिपल था वो दिया था। अब TQM अकॉर्डिंग टू सेलिस्ट 1990, सेलिस्ट ने 1990 में TQM के बारे में क्या कहा है? एजुकेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिडक्शन टू क्वालिटी एश्योरेंस फॉर प्रिवेंशन टू TQM कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो हमारे डिडक्शन है एंड प्रिवेंशन है इन सब के थ्रू हम TQM को एक अच्छा मीन्स मैनेजमेंट बना सकते हैं, एक अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट बना सकते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो ये हमारे TQM है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है जिसमें हमें कंटिन्यूसली वर्क करना होता है। अब जो एक स्कूल है जिसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन माना है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, अब इसमें कौन कौन किस नाम से जाना जाता है? जो स्कूल में मैनेजर्स होते हैं वो है टीचर एंड प्रिंसिपल्स आर द मैनेजर्स ऑफ स्कूल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। एंड एम्प्लॉयज़, यहाँ पर टीचर एंड स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन का। एंड नेक्स्ट, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सोसाइटी, बेनिफिशियरी। कस्टमर्स को यहाँ पर बेनिफिशियरी कहा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, वो बेनिफिशियरी हैं हमारे स्टूडेंट्स,
पेरेंट्स एंड सोसाइटी, ये सभी एक ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट उठाते हैं। अब कॉरपोरेट कौन होते हैं? कल्चर, क्लासरूम, एनवायरनमेंट, ये सभी कॉरपोरेट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। सो द TQM इन एजुकेशन डिनोट्स द मीटिंग्स स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टू मैनेजमेंट प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ TQM की, कि TQM जो है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है वो स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए यूज़ किया गया है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इवेल्युएशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क। अब हम बात कर लेते हैं नीड ऑफ TQM इन स्कूल, कि TQM की ज़रूरत क्या है हमें स्कूल्स में। टू ब्रिंग अ चेंज इन विजन और आ ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन है, उसको चेंज करने की एक पहल है हमारा TQM, जिसमें हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, ऑल ओवर जो डेवलपमेंट है एक स्कूल की, उसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो, बच्चों को एक मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड की जा सके, उनको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच दिया जा सके, उनके टीचर्स अच्छी क्वालिटी के हों, उनका स्कूल मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी का हो, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो इन सभी चीज़ों का हम TQM में ध्यान रखते हैं। टू फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, जो भी हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, पर्सनल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, उनका हम अपने लर्निंग में, एजुकेशन में अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। फिक्सिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर फुलफिलमेंट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, फॉर कंट्रोलिंग फंडिंग रिसोर्सेज, फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल, फॉर कंडक्टिंग द रिसर्चेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ TQM। अब जो हम TQM के बारे में हमने इम्पोर्टेंस, नीड, फीचर्स एंड अबाउट TQM हमने डिस्कस किया है, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। इसके तीन एलिमेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट फाउंडेशन, फाउंडेशन में हम एथिक्स, इंटीग्रिटी, वैल्यू एंड ट्रस्ट को रखते हैं। एंड जो सेकेंड है वो है ब्रिक्स, इसमें ट्रेनिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप एड ऑन होता है। लास्ट है हमारा बाइंडिंग मोर्टर, इसमें हम कम्युनिकेशन, रिटन, वर्बल, टेलीफोनिक, इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। जो स्कूल का मैनेजमेंट है तो उसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट संभालती है। तो अब उनके हाथों में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में, कॉलेज का मैनेजमेंट करती है। हायर एजुकेशन पॉलिसीज, फंड्स, नेशनल प्रोजेक्ट, ये सभी को हमारी सेंट्रल एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हैंडल करती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। सो स्कूल एजुकेशन, नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास, फंड्स, पॉलिसीज, स्कीम्स, इस्टेब्लिशमेंट एंड एनरोलमेंट, ये सारा जो वर्क है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। हम बात कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट जो है एजुकेशनल, हेल्थ, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, फंड्स, सेंट्रल इनकम एंड पॉलिसीज एंड स्कीम्स, स्कूल इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकम टैक्स होते हैं, उन सभी को संभालती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। तब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल। जो हमारे स्टेट लेवल पर स्कूल मैनेजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ये सभी जो एजुकेशन है वो हमारी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब टाइप्स ऑफ स्कूल, स्कूल कितने प्रकार के होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्कूल होता है जो कि स्कूल रन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो संभालती है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल संभालती है। एंड सर्वोदय, जो सर्वोदय विद्यालय होते हैं फर्स्ट टू ट्वेल्थ, वो भी हमारी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। एंड प्रतिभा विद्यालय भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही संभालती है। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल स्कूल्स की। सेंट्रल स्कूल्स में हमारे केंद्रीय विद्यालय एंड जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं। अब हम बात करें MCD की, तो उसमें NDMC, NDMC स्कूल्स, नवोदय, नवयुग स्कूल्स आते हैं। अगर और दिल्ली कैंटमेंट बोर्ड स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 टाइप्स के स्कूल्स डिस्कस किए जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट।
जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है वो क्या क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं, सेटिंग अ करिकुलम एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड, सुपरविजन ऑफ स्कूल्स एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट, पॉलिसीज मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डिटरमिनाइंग द क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, सिलेक्शन ऑफ स्कूल टीचर्स, स्टेबलाइजिंग लिंक नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस एंड PWD, रनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एंड डिस्टेंस कोर्स। तो आई होप कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के रोल तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे हमारा एक और पॉइंट है, रोल ऑफ MCD एंड अदर सो ऑन टॉपिक्स हैं, तो उन्हें आप कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।